महाराष्ट्र में सिंचाई घोटाले में पूर्व डिप्टी सीएम और एनसीपी नेता अजीत पवार की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। इस मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर बेंच में एसीबी यानी एंटी करप्शन ब्यूरो ने हलफनामा दायर किया। एसीबी ने अपने हलफनामे में जानकारी दी कि जांच के समय गोशीखुर्द और जिंगांव प्रोजेक्ट में कॉन्ट्रैक्ट देने की प्रक्रिया में कई अनियमितताएं सामने आई हैं। एसीबी ने हलफनामे में जानकारी दी है कि कॉन्ट्रैक्ट देने की प्रक्रिया में पद का दुरुपयोग किया गया। अजीत पवार उस समय महाराष्ट्र के सिंचाई मंत्री और वीआईडीसी यानी विदर्भ इरिगेशन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के अध्यक्ष थे। 17 अक्टूबर को सुनवाई के समय हाईकोर्ट ने एसीबी को सिंचाई घोटाले में अजीत पवार की भूमिका पर जवाब दायर करने के आदेश दिए थे। हाईकोर्ट के उसी आदेश के बाद एसीबी ने हलफनामा दायर किया है।